दिन के 11 बज रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुडेशिया हूं। नक्सलियों के गढ़ माने जाने वाले छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में शनिवार को लोगों ने ललकार रैली निकालकर नक्सलियों के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया है। रैली में उमड़े हुजूम ने नक्सलियों के खिलाफ अभियान में जुटे पुलिस वालों में भी जोश भर दिया। बस्तर जिले के मुख्यालय जगदलपुर में एक्शन ग्रुप फॉर नेशनल इंटेग्रिटी यानी अग्नि के बैनर तले इस रैली का आयोजन कर नक्सलियों को ललकारने की कोशिश की गई। रैली में करीब 1,00,000 लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। रैली में शामिल लोगों ने नक्सलियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोग नक्सलियों पर पिछले 30 वर्षों से बस्तर का विकास रोकने का आरोप लगा रहे हैं। रैली में करीब 70 संगठन स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। रैली में मौजूद भारी भीड़ ने साबित कर दिया कि बस्तर की जनता नक्सल समस्या से निजात पाना चाहती है। नक्सलियों के खिलाफ आयोजित रैली में उमड़ी भीड़ से आयोजक जोश में हैं और पुलिस ने भी लोगों में भागीदारी का स्वागत किया है। नक्सलवाद के विषय में ये प्रचारित किया गया है, माओवादी हिंसा से उपार्जित धन से पोषित लोगों के द्वारा, कि बस्तर में जनता नक्सलवाद के खिलाफ है इसलिए नहीं बोलती है। और सलवा जुड़ूं के बाद तो ऐसी स्थिति निर्मित हो गई थी कि कोई एक भी आदमी उस नक्सलवाद के खिलाफ बोलने में डरता था। आज जब धिक्कार रैली हुई, जब 4 माह की बच्ची को पटक के मार दिया गया, उसके बाद मुझा की अनिता की हत्या हुई और लगातार सभी सामाजिक वर्गों के लोग हत्या हुई, तो फिर उसके बाद ऐसा विचार आया कि एक मंच बनाना चाहिए जिसके सब वॉइस हो, क्योंकि सारे लोग प्रताड़ित थे और नक्सलवाद के खिलाफ थे। लगातार अग्नि संस्था के नेतृत्व में मीटिंग्स हो रहा है, मीटिंग्स में भी ये बात सामने आ रही है कि अन्य जिलों में भी लोग बहुत प्रभावित हैं और लोग डट के नक्सलियों से मुकाबला करना चाहते हैं। लोगों ने समझ गया, नक्सली छद्म युद्ध लड़ते हैं, धोखे की लड़ाई लड़ते हैं, नक्सलियों के ऊपर विश्वास करना बेकार है। इतने साल के नक्सली राज में यहाँ विकास नहीं हुआ, शांति नहीं आया, बेरहमी से बेदर्दी से नक्सली लोगों को मारते गया। नक्सलियों को ना कोई धर्म है, ना कोई जाति है, ना कोई समुदाय है, ना संगठन है। लोगों को मार के, आतंक फैला के, भाई का राज स्थापित करके पैसा उगा ही करना एकमात्र उनका उद्देश्य है। इससे जनता भलीभांति वाकिफ होके सड़कों में उतर के अपने विरोध जता रहे। तो देखा आपने, पुलिस ने भी स्वागत किया है। जिस तरह से लोग बड़ी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं और भागीदारी यहाँ पर ले रहे हैं, रैली में ये हुजूम उमड़ा था नक्सलियों के खिलाफ और पुलिस वालों में भी इन लोगों ने जोश भर दिया। दावा ये किया जा रहा है कि करीब 1,00,000 लोग इसमें शामिल हुए हैं। तो तमाम संगठन थे, स्कूली बच्चे थे और अलग अलग तबके के तमाम बस्तर ज़िले के लोग यहाँ पर शामिल हुए और इनका यही कहना था कि वो नक्सलवाद के खिलाफ है, नक्सलियों पर उन्हें भरोसा नहीं है और पिछले 30 सालों में अगर इस इलाके का विकास नहीं हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ नक्सलियों की वजह से हुआ है। एक बड़ी ललकार रैली यहाँ पर देखने को मिली। तो नक्सलियों के गढ़ में नक्सलियों के खिलाफ ललकार रैली में शामिल लोगों की भीड़ ने साबित कर दिया है कि इलाके में नक्सल समस्या के खिलाफ लोगों में कितना गुस्सा है। नक्सलियों की वजह से विकास के काम में रोड़े आ रहे हैं। हम आपको देश में तेजी से फैल रहे लाल आतंक यानी नक्सली पर एक रिपोर्ट दिखाएंगे। ये रिपोर्ट अमेरिका के नेशनल कंसोर्टियम फॉर द स्टडी ऑफ टेररिज्म एंड रिस्पॉन्स टू टेररिज्म ने तैयार की है। रिपोर्ट के मुताबिक नक्सली दुनिया में चौथा सबसे खतरनाक संगठन है, जबकि नक्सलियों में सबसे ऊपर ISIS का नाम आता है। तालिबान और बोको हरम भी इससे पहले हैं। इस रिपोर्ट में जो आंकड़े दिए गए हैं वो हम आपको दिखाते हैं। साल 2015 में ISIS ने 931 आतंकी हमले किए जिसमें करीब 6,050 लोग मारे गए। इसके बाद आतंकी संगठन बोको हरम का नाम आता है जिसने 491 आतंकी हमले किए 2015 में और इसमें 5,450 लोगों की जान गई थी। तालिबान के आतंकी ने करीब 1,039 आतंकी हमले किए हैं और इसमें 4,512 लोगों की जान गई है। इसके बाद नंबर आता है भारत के लाल आतंक का। 2015 में CPI माओवादी संगठन ने 343 आतंकी हमले किए हैं और इसमें 176 लोगों की जान गई। साल 2007
छत्तीसगढ़ के रानी बोदी गांव में नक्सली हमला, 55 पुलिसकर्मी शहीद। साल 2010 छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमला, 75 सुरक्षाकर्मी शहीद। साल 2013 छत्तीसगढ़ के दरभा घाटी में नक्सली हमला, 25 कांग्रेस नेताओं की मौत। साल 2014 छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमला, सीआरपीएफ के 13 जवान शहीद। जंगलों में छिपकर निर्दोष लोगों और सुरक्षा बलों पर हमले और मौत के ये आंकड़े सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये हकीकत है हिंदुस्तान में लाल आतंक। नक्सल जो है नॉर्मली पब्लिक को भी इस चीज़ के लिए उकसाते हैं कि भाई फोर्सेज आपके इलाके में आते हैं, उनको ऑब्जेक्ट करो। आप नदी इस पार कर आ जाते थे छोटे बिटिया में, और अचानक कभी कभार रात में आ जाते थे। सिक्योरिटी फोर्सेज को जो है ये लोग सड़क बनाने से रोकते हैं, ये लोग ना नक्सलवादियों को छोड़ेंगे। वी विल क्रश देम, वी विल किल देम। देश को बाहर से ज्यादा देश के अंदर पल रहे लाल आतंक वाले बगदादी से सबसे ज्यादा खतरा है, ये बात सामने आई है अमेरिका स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत का नक्सल आतंक दुनिया में चौथे नंबर का सबसे बड़ा और खूंखार आतंकी संगठन है, जबकि पहले नंबर पर आईसिस है। ये रिपोर्ट अमेरिका स्टेट डिपार्टमेंट और नेशनल कंसोर्टियम फॉर द स्टडी ऑफ टेररिज्म एंड रिस्पॉन्स टू टेररिज्म के लिए तैयार की गई है। रिपोर्ट को तैयार करने के लिए 2015 के हुए आतंकी हमले को आधार बनाया गया है। एक पूरा आंकड़ा दिया गया है जिससे आप समझ पाएंगे कि क्यों लाल आतंक हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा और दुनिया में चौथे नंबर का आतंकी संगठन है। साल 2015 में आईसिस ने 931 आतंकी हमले किए, जिसमें 6050 लोग मारे गए। दूसरे नंबर पर आतंकी संगठन बोको हरम है, जिसने 491 आतंकी हमले किए, जिसमें 5450 लोगों की जान चली गई। तीसरे नंबर पर तालिबान है, जिसने 1039 आतंकी हमले किए, इसमें 4512 लोगों की मौत हुई। इसके बाद नंबर आता है भारत के लाल आतंक का। 2015 में सीपीआई माओवादी संगठन ने 343 आतंकी हमले किए, इसमें 176 लोगों की मौत हुई। ये बात जाहिर है कि नक्सल्स ने जितनी हत्याएं की है हिंदुस्तान में, वो आंकड़ों के हिसाब से दुनिया में चौथे नंबर पर है। नक्सलियों के बारे में यह है कि इनकी क्रूरता की कुछ एक घटनाएं तो बीच बीच में सामने आती हैं कि किसी की आंखें निकाल लेते हैं, गला काट देते हैं लोगों का, ऐसा कभी कभी सामने आया है। भारत की सरकार भी पता नहीं किन वजहों से नक्सलियों को आतंकी कहने से हिचकती है। मैं तो अपने लिखने में लगातार इस बात को लिखते आता हूं कि ये आतंकी लोग हैं और इनको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही ट्रीट किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में सिलसिलेवार तरीके से ये भी बताया गया है कि कैसे नक्सल आतंक भारत के कई राज्यों के लिए नासूर बन गया है। लेकिन सबसे ज्यादा हमले छत्तीसगढ़ में हुए। 2015 में नक्सलियों ने यहाँ 21% हमले किए। 2014 में छत्तीसगढ़ में 167 नक्सली हमले हुए थे, जबकि 2015 में यह आंकड़ा कम होकर 76 हो गया। आंकड़ों में आई इस कमी को रक्षा विशेषज्ञ सुरक्षा बलों की कामयाबी बता रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि अगर सरकार चाहे तो नक्सलियों पर काबू पाया जा सकता है। ये बहुत ही लो लेवल ये इंसर्जेंसी होती है, कोई इतनी बहुत बड़ी नहीं है। वो सिर्फ हम लोग वहाँ पर लार्ज स्केल ऑपरेशंस इसलिए नहीं करते हैं कि टू अवॉइड कोलैटरल डैमेज। 60 के दशक से हिंदुस्तान में लाल आतंक लगातार पनप रहा है। आज हालात इतने खराब हो चुके हैं कि दुनिया के चार बड़े आतंकी संगठनों की बात होती है तो नक्सलियों का चौथा नंबर आता है। और इतना ही नहीं, देश के 10 राज्य नक्सल आतंक के सीधे चपेट में हैं। तो अभी जैसे छत्तीसगढ़ के अंदर है, तेलंगाना के अंदर है, झारखंड के अंदर है, बंगाल की कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंदर है, यूपी की कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंदर है, तो इन सब जगह में है। लेकिन वहाँ पर सिर्फ इसको जो हमारी स्टेट फोर्सेज हैं पुलिस की, सिर्फ वही इनके ऊपर एक्शन कर रही हैं। यहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेज जिसके अंदर सीआरपीएफ आती है, तो वो इनके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं।
आईएसएस के आतंकी बात तो देश में खूब होती है, लेकिन आईएसएस से सिर्फ 3 कदम दूर और दुनिया के चौथे सबसे खतरनाक आतंकी संगठन पर हम आखिरी बार कब करेंगे, ये सवाल आज सबसे बड़ा है। यशस्विका मल्होत्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।